हाथों में भगवा ध्वज लिए लाखों सनातनी, जय श्री राम जय परशुराम के गगनभेदी नारे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सभी के मन में एक जैसा आक्रोश। दूर बैठे अपने हिंदू भाई बहनों पर हो रही क्रूरता के लिए सभी में उबलता खून। इंदौर की आज सुबह सनातनियों के आक्रोश व्यक्त करने के साथ हुई। हिंदुओं ने चुनौती दी है कि अब अत्याचार नहीं सहा जाएगा, जैसे को तैसे की भाषा में ही समझाया जाएगा। संगठित होकर लाखों हिंदुओं की फौज लालबाग पर उतरी तो नजारा देखने लायक था। कलेक्ट्रेट तक पूरा मार्ग भगवामय हो गया। रैली में जब जय श्री राम के नारे लगे तो लगा कि हिंदू बटा हुआ नहीं बल्कि एकजुट है। रैली के रूप में सड़कों पर उतरकर हिंदुओं ने जैसे ही हुंकार भरी वैसे ही विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। लाखों सनातनियों ने दहाड़ते हुए चेतावनी दी कि अब हिंदू संगठित हो गया है और हिंदू राष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, ताकि बांग्लादेश जैसे हालात यहां भी ना हो। बांग्लादेश में हिंदुओं की अस्मिता और खतरे को देखते हुए आज पूरे भारत में हिंदू संगठित हो गया। ये योगी आदित्यनाथ के एक बयान की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश की घटना एक सबक भी है, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एकता में बहुत ताकत है और संगठित रहोगे तो जिंदा रहोगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश के लाखों सनातनी आज भगवा ध्वज लेकर लालबाग पर जमा हुए, जबकि कांग्रेसियों ने इस रैली से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के विरोध में शहर में एक ऐतिहासिक आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। लालबाग से कलेक्ट्रेट तक निकली इस रैली ने पूरे शहर को भगवामय कर दिया। जय श्री राम शिवाजी महाराज और भगवान परशुराम के नारों से गूंजते हुए लाखों सनातनी सड़कों पर उतरे। इस रैली ने न केवल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की, बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया कि सनातन धर्म अब अन्याय के खिलाफ खामोश नहीं रहेगा। आयोजकों के उद्बोधन के बाद प्रमुख संतों के सानिध्य में कलेक्टर आशीष सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ ठोस कार्यवाही की मांग की गई। हिंदू समाज अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ ये गूंज है। माँ अहिल्या की नगरी से पूरा हिंदू समाज, बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ पूरा खड़ा है, खड़ा रहेगा। ये अत्याचार सहन करने वाले हैं। जब इंदौर कुछ करता है तो अद्भुत करता है। ये गूंज बांग्लादेश चाहिए, वरना तुम्हारी ईट से ईट हो जाएगी। भारत का प्रत्येक नागरिक बात करने वाले
वहाँ सब चुप है। फिलिस्तीन पर छाती पीटने वाले प्रकार बांग्लादेश में महिला और बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ की सरकार, वहाँ के आर्मी सभी मिले हुए हैं और सभी में हिंदुओं में एक आक्रोश है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं आज जन समूह हिंदुओं का पूरे मालवांचल में इसी जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। विगत 4 अगस्त से जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लगातार आज तक वहाँ के हिंदू समाज को षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से वहां की आर्मी सरकार और जनता द्वारा टारगेट किया जा रहा है। नरसंहार लगातार चल रहा है। महिलाओं के साथ क्या हुआ हम सब ने देखा है। वो बच्चों तक को छोड़ा नहीं गया और वो लगातार आज तक वो नरसंहार चल रहा है। आज उन सब घटनाओं से आहत क्रोधित और दुखी होकर के संपूर्ण मालवांचल का हिंदू समाज सड़क पर है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी पूरे विश्व के जो जिम्मेदार लोग हैं, संपन्न शक्तियां हैं, मानवाधिकार शक्तियां हैं, संगठन है और केंद्र सरकार, इससे मांग है कि इन सब घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। उसके लिए चाहे जो करना पड़े, अगर भारत सरकार को आर्मी भी भेजना पड़े और वहां शांति बहाल करनी पड़े तो वो करना चाहिए। और इन्हीं सब घटनाओं से हाथ होकर आज इस रैली के रूप में संपूर्ण हिंदू समाज सड़क पर है। देखिए वहां की सरकार, सेना और आम जनता, जो जिहादी कट्टरपंथी जो मानसिकता है वो सब इसमें शामिल है। और कैसे भी करके हिंदू अपना घरवार, अपने व्यवसाय, अपनी दुकानें छोड़ करके वहां से पलायन कर जाए या कन्वर्ट हो जाए, इसके पीछे केवल यही उद्देश्य है। बिल्कुल मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और जहां जहां भी इस प्रकार के संदेहास्पद लोग हैं उनको यहां से खदेड़ना चाहिए। जब वहां वो हमारे शांति प्रिय हिंदू समुदाय का सम्मान नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो उनको किसी भी सूरत में इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। इंदौर की सड़कों पर बुधवार को जन सैलाब देखने को मिला। सुबह 8 बजे से ही लालबाग पर लोग जुटने लगे। भगवा ध्वज, जय श्री राम के नारों और जोश से भरी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि हिंदू धर्म के अनुयायी अब किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। कलेक्ट्रेट तक पहुंची इस रैली ने एकता और संगठन की शक्ति का प्रदर्शन किया। आज हम यहाँ ये देखने आए कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा और हमारी पहचान है। बांग्लादेश में हमारे भाई बहनों पर हो रहे अत्याचार को हम चुपचाप नहीं सह सकते। ये रैली हमारे सनातन धर्म की शक्ति को दर्शाती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार हमारी आवाज सुने और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम उठाए। रैली में तमाम हिंदू संगठनों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने इसे सफल बनाने में पूरा सहयोग किया। ये दिखाता है कि जब धर्म और संस्कृति की रक्षा का सवाल हो तो पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर खड़ा हो सकता है। जैसा आप सभी को हमको मालूम है कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वहाँ के बहुसंख्यक द्वारा, और उनके दुकान मकानों को जलाया जा रहा है, बहु बेटियों को जो है बलात्कार किया, प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा किया जा रहा है, लूटपाट हो रही है। इसके विरोध में पूरा हिंदू समाज आज जो है जन आक्रोश रैली में भाग ले रहा है। हाँ, संत भी बहुत आक्रोशित हैं। हम संत तो ज़्यादा आक्रोशित हैं, संत तो केवल हिंदू और राष्ट्र के लिए जी अपना जीवन बलिदान करने वाले हैं, संत तो और ज़्यादा आक्रोशित हैं। और हम लोग सब अभी आज विरोध दर्ज कराएंगे, यद्यपि ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है। पूरे हिंदू संगठन हम ये चाहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदू संगठन और उसके अनुसांगिक संगठन एकत्र होकर और भारतीय जो सरकार है, केंद्र सरकार, इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके महासचिव के माध्यम से हम लोग विरोध दर्ज कराएं और कि उनकी सुरक्षा संरक्षा हो, और वहाँ पर अगर वो नहीं माने तो उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए। हाँ,
उसके अलावा ये हम डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते। मेरा महामंडलेश्वर रामभूषण दास जी महाराज अमरकंटक। हिंदू हमेशा से ही एक रहे हैं पहले भी, लेकिन बीच बीच में वो सो जाते थे, तो उनको जागृत करने के लिए ही ये रैली निकाली जा रही है। और मुख्य रूप से बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो संतों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो धर्म संस्कृति पर अत्याचार हो रहे हैं, जो मंदिरों को उन पर निशाना बना के उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं वहाँ के सब पुजारियों पर, उसके विरोध में आज यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। और हम सब लोग उन सब हिंदू भाइयों को समर्थन के लिए भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक यह जागरूकता रैली भी कह सकते हैं, आक्रोश रैली तो है ही, लेकिन ये हिंदुओं को जागरूक करने की रैली भी है। और मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं इंदौर का निवासी हूँ, यहाँ से जो भी संदेश जाता है वो पूरे देश में जाता है। और आज आप देख सकते हैं कितना जन समूह सड़कों पर उतर आया है, ये सब हिंदू एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, पूरे देश को संदेश दे रहे हैं। और यह मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को और अंतर्राष्ट्रीय सब लोगों को बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और हिंदुओं की रक्षा करना चाहिए, मंदिरों की रक्षा करना चाहिए, धर्म की रक्षा करना चाहिए, संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। महामंडलेश्वर दादू महाराज जी, आज जो ये आक्रोश रैली है इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो वहाँ पर बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, संत महात्माओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, उसके संबंध में यहाँ पर ये हिंदू जागरण के तहत आक्रोश रैली यहाँ पर इंदौर में निकाली जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि सारे भारतवर्ष के हिंदू सभी लोग एक होकर राजनीतिक द्वेष को भूल कर यहाँ पर सभी लोग एक होकर के इस पर आवाज़ उठाए। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या भी अब मात्र 2% बची है, जो वहाँ पर लगभग 30-40% हिंदू थे, ऐसे ही हिंदुस्तान में भी अब सब हिंदू होना चाहिए। जब इस देश का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए होना चाहिए और सनातन की रक्षा के लिए हम यहाँ पर एक हुए हैं। और ये आक्रोश रैली का जो है पूरे हिंदुस्तान में इसका वो आह्वान होना चाहिए कि सब हिंदू एक हो, और जो हिंदुओं पर जो आक्रमण हो रहे हैं, जो आताताई लोग जो है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो रोका जाए। बुधवार का दिन इंदौर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। संघ के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक आक्रोश रैली में 4 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। लालबाग से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचने वाली इस रैली ने पूरे शहर को भगवामय कर दिया। सुबह 8 बजे से ही लोग लालबाग पर जुटने लगे थे। हर व्यक्ति के हाथ में भगवा ध्वज था और चेहरों पर अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जैसे ही रैली शुरू हुई पूरा माहौल जय श्री राम, हर हर महादेव और वंदे मातरम जैसे नारों से गूंज उठा। कलेक्ट्रेट मार्ग पर इस जन सैलाब को देखकर हर कोई अभिभूत हो गया। ये रैली केवल बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का विरोध नहीं थी, बल्कि ये हिंदू धर्म की एकता और ताकत का प्रदर्शन भी थी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ इस रैली का आयोजन किया गया। ज्ञापन में राष्ट्रपति से ये अपील की गई कि वो इस मामले को गंभीरता से लें और बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालें। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आज सारा हिंदू समाज एकत्रित हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार बंद होना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज भी चलना चाहता है और हम भी चल के रहेंगे अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाए। देखिए, इंदौर का जज्बा इस बात का प्रतीक है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, माता बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसके खिलाफ समग्र हिंदुस्तान हिंदू समाज आज इंदौर की सड़कों पर है। हम बांग्लादेश की सरकार से मांग करते हैं कि ये अत्याचार तुरंत रोके इसको, अन्यथा इसमें अगर हिंदू समाज उग्र हुआ तो बांग्लादेश के पटाखे उड़ जाएंगे। रैली के दौरान कलेक्ट्रेट मार्ग एक ऐतिहासिक स्थल जैसा लग रहा था। लाखों लोग भगवा ध्वज लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। नारेबाजी और उत्साह ने इस माहौल को और भी प्रेरणादायक बना दिया। कलेक्टर आशीष सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई।
इस रैली में कांग्रेस के किसी भी नेता की अनुपस्थिति ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक ओर जहां भाजपा और संघ के नेता सक्रिय रूप से इस रैली का हिस्सा बने, पूरा इंदौर व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बनकर इस रैली में शामिल हुआ, वहीं कांग्रेसियों ने इस रैली से दूरी बनाए रखी। इसे लेकर रैली में शामिल लोगों ने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। उनका कहना था कि कांग्रेस की इस मानसिकता के कारण इंदौर में भाजपा का वर्चस्व कायम है। बड़ा सवाल यह है कि ये आक्रोश रैली थी, कोई राजनीतिक रैली नहीं थी जिसमें कांग्रेसी शामिल नहीं हुए। रैली के समर्थन में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। इंदौर के बाजार सुबह से ही शांत नजर आ रहे थे। ये बंद केवल इंदौर तक सीमित नहीं था, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और अन्य जिलों में भी व्यापारियों ने रैली का समर्थन करते हुए बाजार बंद रखे। ये दिखाता है कि ये मुद्दा पूरे प्रदेश के लोगों के दिलों को छू गया है। इंदौर के साथ साथ भोपाल, उज्जैन और अन्य जिलों में भी आक्रोश रैलियों का आयोजन हुआ। हर जिले में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जहां बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक भी इसमें शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भगवा ध्वज लिए इस रैली में शामिल हुई। युवाओं के जोश और उत्साह ने इस रैली को और भी जीवंत कर दिया। इस रैली ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदू समाज अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए पूरी तरह संगठित है। ये केवल इंदौर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में यह संदेश गया है कि हिंदू धर्म अब अन्याय को सहन नहीं करेगा। रैली में शामिल लोगों ने यह दिखा दिया कि उनकी एकता और जोश किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, पुलिस बल हर जगह तैनात था और रैली के मार्ग को व्यवस्थित रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि यातायात और अन्य गतिविधियां बाधित न हो। देखिए, सकल हिंदू समाज के द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है और जो बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यकों के अगेंस्ट में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेके ज्ञापन सौंपा गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन संबोधित किया गया है जो मेरे द्वारा ग्रांट करके उचित कार्रवाई के लिए शासन को भेज दिया जाए। देखिए, इसमें हमारे द्वारा पुख्ता फोर्स लगाया गया है, हाई राइज बिल्डिंग को भी सैनिटाइज किया गया है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है, इसके साथ साथ असूचना संकलन के लिए भी भारी फोर्स लगाया गया है, साथ ही साथ ट्रैफिक का फोर्स भी इसमें लग गया है, कुल मिला के 1.5 से 2 हज़ार का फोर्स लगाया गया है। कितनी देर का है और किस तरह से परमिशन दी गई है? लेकिन इनको परमिशन प्रदर्शन के लिए भी है, इनके द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है जिसकी संपूर्ण परमिशन इनके पास दी गई है, कुछ समय में ये ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को। देखिए, कुल मिला के अभी तो नंबर हमने काउंट नहीं किए गए हैं, पर भारी संख्या में 50 से 1 लाख के आसपास तक के लोगों की संख्या इन्होंने विजिट किया था।
इंदौर में लाखों की संख्या में लोगों के शामिल होने से ये स्पष्ट होता है कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में गहरा रोष है। हिंदू समाज इस मुद्दे को लेकर एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहा है। इस तरह की विशाल रैली का प्रभाव स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ सकता है। ये रैली भारत सहित दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं को प्रभावित कर रही है और हिंदुओं में एकजुटता का भाव पैदा कर रही है। रैली सुबह 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन लालबाग में हिंदुओं का आना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर शुरू हुई आक्रोश रैली में हनुमान चालीसा व भगवान के भजन के लोग भगवा ध्वज के साथ तिरंगा लहराते हुए चल रहे थे। रैली मार्ग पर सभी के लिए पानी की व्यवस्था के साथ अन्य कई प्रकार की सुविधाएं भी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरे की निगरानी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल और आर्मी के जवान मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। इंदौर में निकली इस आक्रोश रैली ने न केवल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि ये भी दिखाया कि सनातन धर्म के अनुयायी एकजुट होकर अन्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं। रैली ने पूरे देश को यह संदेश दिया कि जब भी धर्म और संस्कृति पर चोट होती है तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठता। ये रैली केवल एक प्रदर्शन नहीं थी, ये सनातन धर्म की एकता, ताकत और गौरव का प्रतीक थी। ये इतिहास में दर्ज हो चुकी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।